आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन ने बोला है कि अम्ब्रेला है वो हमारा 12 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लोथ से बना हुआ मिलके, सबका हमारा लेंथ, ब्रेथ और यहाँ पे हमारा सब कुछ दिया हुआ है, तीनों डायमेंशन, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है कि एरिया ऑफ जो क्लोथ होगा वो कितना यूज किया हुआ है अम्ब्रेला को फॉर्म करने में, ये हमें पूछा गया है। सो यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे कितने ट्रायंगुलर शेप हैं, तो एक ट्रायंगुलर शेप को यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लें। सो ये ट्रायंगुलर शेप है और इसका जो हमारा डायमेंशन है वो 50 फिर क्या है हमारा यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर, फिर ये भी हमारा 50 सेंटीमीटर और ये हमारा है 20 सेंटीमीटर। इसको अपन बोल देते हैं ए, इसको अपन बोल देते हैं बी और इसको अपन बोल देते हैं सी, ठीक है। सो यहाँ से हमारा सेमी पेरीमीटर क्या बन जाएगा, सो एस इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई टू, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। सो ए हमारा क्या है 50, बी जो है वो है 20, सी भी हमारा 50 होल डिवाइड बाई टू। सो ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से, सो 120 डिवाइड बाई टू, यानी कि ये क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये हमारा सेमी पेरीमीटर बन गया। सो यहाँ पे एरिया हमारा क्या आ जाएगा, सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपन बात करें, सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, सो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट एस के जगह पे हमारा 60 है, 60 माइनस ए, ए के जगह पे हमारा क्या है 50, तो ये हो जाएगा 50, फिर 60 माइनस बी के जगह हमारा क्या है 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये 60 माइनस सी के जगह क्या है हमारा 50, सो ये हो जाएगा 50, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्क्वेयर रूट, ठीक है, क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, सो ये आ जाएगा 60, फिर ये 10, फिर ये 40 और ये हमारा क्या आ जाएगा 10, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। सो अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सो 6 × 4, ठीक है, 6 × 4 और ये 1, 2, 3, 4, सो 4 यहाँ पे 0 होगा तो 10⁴ आ गया। सो बेसिकली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 10⁴ को अपन 100 लिख देंगे और ये हमारा स्क्वायर रूट 6 है, तो ये बन जाएगा 200 स्क्वायर रूट 6। सो स्क्वायर रूट 6 को अभी एज इट इज रखते हैं अपन। सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल ये आ गया। सो ऐसे से हमारे कितने ट्राइंगल है टोटल, सो 12। सो 12 ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ 12 ट्राइंगल्स ये क्या आ जाएगा हमारा, सो ये बन जाएगा 12 × ठीक है 200√6, ठीक है। सो बेसिकली ये आ जाएगा 2400√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर 1200 में, यहाँ पे रूट 2400√6 का यहाँ पे वैल्यू। सो इसको अपन कैलकुलेट करें तो यही हमारा जो टोटल एरिया होगा उतना ही क्लोथ यूज हुआ होगा। सो टोटल क्लोथ्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2400√6 बन जाएगा, ठीक है। सो इसको अपन कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2400, ठीक है। सो 2400 यहाँ पे लिखते हैं अपन, 2400√6 का वैल्यू अपन लिखेंगे 2.44। सो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, तो 5000 यहाँ पे लिखते हैं 5878.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।